आज विषय है कि 5 साल के अंदर 50 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है। आप खुद जब वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, मुझे याद है कि जेंडर बजटिंग की बात हुआ करती थी, उसके बाद 10 साल तक जेंडर बजटिंग की बात इस देश से गायब हो गई, और आज विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात यह सरकार कर रही है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे आशा है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, चाहे इंद्रधनुष है, ऐसी तमाम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही समाज में एक कुरीति है जिसका नाम है ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, और तलाक बिद्दत को लेकर मुझे अपने शब्दों में नहीं बल्कि कुरान के शब्दों में अगर मैं कुछ बात कहूं तो कुरान के कौन सी सुरा, कौन सी आयत के अंदर तलाक बिद्दत का जिक्र है, ये मैं सुष्मिता देव सहित बाकी लोगों से पूछना चाहती हूं। और अगर ऐसी किसी प्रथा का जो है जिक्र नहीं है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है कि तलाक बिद्दत गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि वो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है, और अधिकार कौन से, राइट टू इक्वालिटी। आपने सुप्रीम राइट डिवोर्स का आदमी के हाथ में दे दिया, जिसके ऊपर अभी तक विपक्ष में से किसी एक व्यक्ति ने बात नहीं की। जो सारा का सारा जिम्मा है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि सिविल लॉज के अंदर क्रिमिनलिटी नहीं होती, और जिस 125 के राइट की बात की जा रही है, सस्टेनेंस के राइट की बात की जा रही है, वो क्रिमिनल एक्ट है, वो 125 ऑफ CRPC है, वो ऑलरेडी इस देश में क्रिमिनलाइज्ड है। और मैं सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से ये कहना चाहूंगी, अपनी पार्टी की तरफ से, कि एम्फेटिकली आई वांट टू ऐड दिस दैट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू जेंडर जस्टिस, दिस इज नॉट ही वर्सेस शी, दीज आर इश्यूज विच आर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इट बिलोंग्स टू द एंटायर सोशल सेटअप, एंटायर पॉलिटिकल सेटअप। एम्फेटिकली आई वांट टू ऐड that no gender war can ever be won until and unless men are standing with women, because they continue to be in power of in the state of dominance. And I'm very happy that my prime minister and my prime minister's led government has chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country.